आज हमारे साथ खड़े हैं झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल जी मरांडी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश में मोदी जी के 9 वर्ष पूर्ण होने पर समूचे रीवा जिले में विशेष तौर से दौरा कर रहे हैं। आपको बता दें, रीवा जिले का पिपराही अंचल जो है आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, उधर गुड़ क्षेत्र में भी आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, तमाम ऐसे इलाके हैं जहां आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, शायद उन्हें इसी पर्पस से यहां बुलाया गया है। आए जानते हैं हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी क्या संदेश देना चाहते हैं। उन्होंने अभी बताया कि भारत विश्वगुरु की ओर बढ़ रहा है, पपुआ के राष्ट्रपति उनका चरण छू रहे हैं और कह रहे हैं मोदी इज द बॉस ऑफ वर्ल्ड। तो इस प्रकार से भारत तो एक तरह से विश्वगुरु बनने जा रहा है, लेकिन छोटी छोटी समस्याओं को लेकर के क्या जनता सोचती है। कर्नाटका में आपने देखा कि भाजपा के मुद्दे को अगेंस्ट करके हनुमान जी के बल पर उन्होंने सत्ता हासिल कर ली, और मध्य प्रदेश में भी वही होने जा रहा है। आज कांग्रेस हनुमान चालीसा करवा रही है, रुद्राभिषेक करवा रही है, गीता पाठ करा रही है। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी उसका क्या जवाब देगी, कारण कर्नाटक चुनाव सामने है। आदरणीय मरांडी जी, चलिए बहुत अच्छी बात है। कांग्रेस पार्टी तो श्री राम जी को काल्पनिक मानते थे, आप तो देख रहे हैं कि श्री राम प्रभु के भक्त हनुमान जी के अगर पाठ करा रहे हैं तो कांग्रेस को सद्बुद्धि आ रहा है, और क्या। जो आपका मिशन है कि हम 2023 में भाजपा की पुनः सरकार बनाएंगे दो तिहाई बहुमत से, और केंद्र में 2024 में बनाएंगे, क्या इस मिशन पर फर्क नहीं पड़ेगा, उदाहरण कर्नाटक है। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह की सरकार जो विकास का काम किया है, आप सब लोगों के सामने है, जनता के सामने है, और देश की मोदी सरकार ने भी जो 9 वर्षों में जो काम किया है, हम उन काम के बदौलत हम जनता से वोट मांगते हैं। और मैं ये कह सकता हूँ देश में भी और प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की फिर से सरकार बनेगी। आदरणीय मरांडी जी, आपने बहुत सारे विकास की बात कही, जैसे जिले की सौगात जैसी बातें भी कही हैं, लेकिन रीवा मिर्जापुर रेल लाइन बहुत दिनों से प्रतीक्षित है, तमाम रेलों की सुविधाएं दी गई, तमाम रेल लाइनें बिछाई गई, लेकिन रीवा मिर्जापुर रेल लाइन आज तक प्रतीक्षित बनी हुई है। इस बारे में क्या मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को आप सुझाव देंगे कि तत्काल इसको पूरा कराएं? आप झारखंड के एक्सपीरियंस होल्डर मुख्यमंत्री हैं, मध्य प्रदेश की सरकार ने अभी ब्राह्मण आयोग गठन करने की बात कही, ब्राह्मण समाज आज तमाम पदों पर बैठा हुआ है, समूचे प्रदेश व देश में यह अग्रगणी श्रेणी में है, इसके बावजूद ब्राह्मण आयोग की गठन करने की बात कही, लेकिन विंध्य प्रदेश की 32 सीटों पर केसरवानी समाज जो कि 18,000 से 32,000 की संख्या में है, और उसे आज तक पिछड़ा वर्ग में शामिल नहीं किया जा रहा है, जबकि इसकी मांग बड़े जोर तोर से चल रही है। पार्टी हर हमेशा देश के प्रधानमंत्री कहते हैं भाई, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, और जिसके यहाँ कहीं अगर कुछ छूटा होगा तो उस पर भी सरकार विचार कर। तो केसरवानी समाज को पिछड़ा वर्ग में शामिल करने की आप सिफारिश करेंगे मुख्यमंत्री जी से? हमारा काम नहीं है वो, एक बार में सब काम नहीं होता है भाई साहब, थोड़ा सा एक एक धीरे धीरे काम होता है, इतना काम हुआ उसकी अभी प्रचार करो ना। नहीं, एक निवेदन। नमस्कार मित्रों, आज हम खड़े हैं मध्य प्रदेश के रीवा जिले के मऊगंज विधानसभा क्षेत्र के हनुमना सीता स्वयंवर में, जहां अभी झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री तथा नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल जी मरांडी, आपने देखा कि संयुक्त मोर्चा प्रकोष्ठों के पदाधिकारियों को कार्यशाला के रूप में संबोधित करते हुए तमाम गुर सिखाए किस प्रकार से पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में विधानसभा में तथा 2024 के लोकसभा चुनाव में विजयश्री दिलाएं। इस बारे में उनसे हमारे द्वारा किए गए विभिन्न सवालों को भी आपने सुना। आइए स्थानीय नेता क्या कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता और इस क्षेत्र से जिला पंचायत सदस्य तथा पूर्व में भाजपा के युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष रहे
राजन जी मिश्रा आए जानते हैं कि तमाम कार्यकर्ताओं में भी ऊहापोह की स्थिति है, तमाम विषयों को लेकर असंतोष भी है और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी तमाम प्रकार के चाले चल रही हैं, भाजपा के ही मुद्दों को अपना मुद्दा बना करके और जनता के सामने जा रही है। कर्नाटक चुनाव सामने है, आपने देखा उसका उदाहरण। ऐसे में क्या कहना चाहेंगे आदरणीय राजन जी? कोई ऊहापोह की स्थिति नहीं है। केंद्रीय नेतृत्व द्वारा भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष परम सम्मानी बाबूलाल मरांडी जी और राज्यसभा के सदस्य यहीं हमारे बगल की जौनपुर की श्रद्धे सीमा द्विवेदी जी का केंद्रीय नेतृत्व द्वारा नरेंद्र मोदी जी का जो 9 वर्ष का सफलतम कार्यकाल हुआ, उस कार्यकाल को कार्यकर्ता कैसे उत्साह के साथ मनाए, आने वाले चुनाव में कार्यकर्ता की क्या भूमिका होगी, सरकार की जो योजनाएं हैं उसको जन जन तक कैसे पहुंचाना है, सरकार की एक योजना को आम जनमानस का कैसे लाभ दिलाना है, इसके लिए ये कार्यशाला हुई, इसके लिए बैठक हुई और भारतीय जनता पार्टी के ज्येष्ठ श्रेष्ठ मोर्चा प्रकोष्ठों से लेकर के सभी ज्येष्ठ कार्यकर्ताओं से माननीय बाबूलाल मरांडी जी सीमा द्विवेदी जी मिले हैं और मिल करके आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 2023 का विधानसभा चुनाव और 2024 का लोकसभा चुनाव कैसे जीते और कार्यकर्ता की क्या भूमिका रहेगी, इसके बारे में उन्होंने विस्तार के साथ